सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक न्यूज है आप लोगों के लिए, क्योंकि जितने भी हमारे भाई बहन डीएलएड कर चुके हैं या कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं कर चुके हैं, अगर आप लोग शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए ये न्यूज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देखना क्योंकि ये आप लोगों के भविष्य से जुड़ी हुई है। दोस्तों, आप देखिए सरकारी स्कूलों में निजी क्षेत्र के लोग देंगे सेवा। अब ये योजना है केंद्र सरकार की, इस योजना में क्या बातें कही गई हैं ये मैं आपको पूरा क्लियर बताऊंगी और इसका भविष्य में क्या इफेक्ट पड़ेगा जिन्होंने डीएलएड किया है, जिन्होंने बीएड किया है, जिन भी हमारे भाई बहनों ने, उनके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। आप ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, नई शिक्षा नीति 2020 में आई आप लोगों को पता है, तो नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्र सरकार की विद्यांजलि योजना, अभी तक आपने अग्निपथ योजना देखी है उससे अग्निवीर बनेंगे, अब ये देखिए विद्यांजलि योजना, इससे साथ विद्यावीर बनेंगे। अब देखिए यहाँ पर इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों की शैक्षणिक और आर्थिक गुणवत्ता में सुधार लाया जाएगा और गुणवत्ता सुधारने में निजी क्षेत्र और समुदाय के लोगों की मदद ली जाएगी। यानी अब सरकारी स्कूलों में निजी क्षेत्र और समुदाय के लोग भी सेवा देंगे, इसको लेकर तैयारी शुरू हो गई है। गया जिले में भी विद्यांजलि योजना को धरातल पर उतारने की कवायद तेज हो रही है। इस संबंध में 25 जून को एक बैठक भी होने जा रही है। पढ़ाने और सेवा देने का मौका, अब ये किस तरीके की योजना है यहाँ पर आपको पूरा क्लियर पता चलेगा। विद्यांजलि योजना के तहत युवा पेशेवरों, सेवानिवृत्त शिक्षकों, सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों और गैर सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्रों और कॉरपोरेट कंपनियों से जुड़े लोगों को सरकारी स्कूलों में सेवा देने का मौका मिलेगा। यानी अगर कोई युवा या सेवानिवृत्त अधिकारी स्वेच्छा से सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो बच्चों को अपने अनुभव का लाभ देना चाहते हैं तो उन्हें मौका मिलेगा। इसी तरह अगर कोई निजी क्षेत्र की कंपनी किसी सरकारी स्कूल की आधारभूत संरचना को बेहतर बनाने के लिए मदद करना चाहती है तो वह कर सकती है। विद्यांजलि योजना को गया जिले में लागू करने के लिए जिला शिक्षा कार्यालय ने तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर 25 जून को सभी बीईओ, बीआरपी, डाटा ऑपरेटर की बैठक हरिदास सेमिनरी स्कूल में बुलाई गई है। बैठक में स्कूलों के रजिस्ट्रेशन को लेकर निर्देश दिए जाएंगे। अब देखिए जितने भी सरकारी स्कूल हैं इस जिले में, सभी के सभी को क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। विद्यांजलि योजना के तहत जिले के सभी सरकारी स्कूलों को का रजिस्ट्रेशन होगा। विद्यांजलि के पोर्टल पर सभी स्कूलों को अपनी आवश्यकता बतानी होगी, यानी कुल कितने शिक्षक हैं, कितने शिक्षकों की कमी है, किन किन विषयों के शिक्षक नहीं है, स्कूल में पठन पाठन सामग्री की क्या स्थिति है, अन्य क्या जरूरतें हैं आदि। दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति या महिला सरकारी स्कूलों में स्वेच्छा से पढ़ाना चाहते हैं, कोई संगठन या कंपनी मदद करना चाहती है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के लॉगिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद बीईओ के नेतृत्व में आवेदन की जांच होगी और स्कूलों में सेवा का मौका दिया जाएगा। और यहाँ पर आप देखिए अगर गृहिणी है तो कम से कम 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए, यहाँ पर योग्यता भी बताई गई है। अगर कोई भारतीय प्रवासी है तो कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है उसका। यदि कोई एनआरआई है तो उसके पास ओसीआई कार्ड जरूरी होगा। कोई सेवा निवृत्त व्यक्ति है तो स्नातक होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो कार्यक्रम पदाधिकारी हैं समग्र शिक्षा गया के, उन्होंने क्या कहा है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा विद्यांजलि योजना लाई गई है। इसके लिए सभी सरकारी स्कूलों को रजिस्ट्रेशन कराना है। गया जिले में कुल 3,311 स्कूल है। 1 जुलाई से सभी स्कूलों का विद्यांजलि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों इसका हमारे जो डीएलएड किए हुए भाई बहन है या जहां पर जिस भी राज्य में बीएड किए हुए बच्चे हैं या डीएलएड किए हुए बच्चे हैं उनके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, अगर ये जो केंद्र सरकार विद्यांजलि योजना लेकर के आ रही है। अब मान लीजिए कोई स्कूल है 1 से 5 तक का प्राइमरी स्कूल है, उसमें एक ही टीचर है, ठीक है। अब इस योजना के तहत अगर कोई भी, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि बाकायदे यहाँ पर बताया गया है कि उनकी उनकी जांच होगी उनके आवेदनों की और फिर उनको स्कूल में सेवा देने का मौका दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो भी जाएगा उसका विद्यांजलि पोर्टल पर क्या होगा, जो भी जाएगा उस स्कूल में पढ़ाने उसका विद्यांजलि पोर्टल पर उसका नाम दर्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से पता चल जाएगा कि हाँ इस स्कूल में जो निजी क्षेत्र के लोग हैं या निजी लोग हैं वो भी वो आकर के सेवा दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि उस स्कूल में काम चलाऊ चीजें चल रही हैं, मतलब
पढ़ाई हो रही है, यही तो हुआ। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, आप लोगों को पता है कि कितने सारे प्रशिक्षित बीएड किए हुए अभ्यर्थी, कितने सारे प्रशिक्षित बीटीसी या डीएलएड किए हुए प्रशिक्षु या प्रशिक्षण प्राप्त जो हमारे भाई बहन है सब बैठे हुए हैं नौकरी के लिए, सरकार वैकेंसी निकाले। और यहाँ पर सरकार क्या कर रही है, जिस सरकारी स्कूल में टीचर्स की कमी है वहां पर निजी क्षेत्र के लोग आकर के सेवा दें, जबकि आपको पता है कि सरकार को खुद भी पता है कि स्कूल में टीचर्स की जरूरत है और कितने सारे बच्चे कर करके बैठे हैं। और सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने, आपको पता है कि शिक्षा मित्रों को सिर्फ और सिर्फ इसलिए शिक्षा मित्र फिर से बना दिया टीचर से, क्योंकि उनके पास ट्रेनिंग नहीं थी। प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, आप लोगों को पता है। और जो बीएड किए हुए प्रशिक्षित हैं और जो बीटीसी किए हुए प्रशिक्षित हमारे भाई बहन हैं, वो इसीलिए प्रशिक्षण लेते हैं कि इन बच्चों को सही से पढ़ा पाए। अब जो व्यक्ति 12वीं उत्तीर्ण करके आ रहा है, वो कितना उसको उसने कौन सी ट्रेनिंग ली है कि वह जा करके बच्चों को पढ़ाएगा। आप सोच सकते हैं कि इस तरीके की चीजें अगर आ रही हैं या ऐसे लोग आकर के सरकारी स्कूलों में अगर पढ़ा रहे हैं अपनी स्वेच्छा से, तो कहीं ना कहीं इससे दोस्तों जो आप लोग कहीं ना कहीं बच्चों का, जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति प्रशिक्षित होगा और हर व्यक्ति बच्चों को अच्छे से संभाल लेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर ऐसे लोग आकर के विद्यालय में पढ़ाते हैं तो वैकेंसी कब आएगी और कब शिक्षकों के पद भरे जाएंगे, यहाँ पर इस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि संविधान में ही कहा गया कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उनका अधिकार है। तो अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अधिकार है, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जो वेल ट्रेन्ड टीचर्स हैं, जिन्होंने डीएलएड किया हुआ, जिन्होंने बीएड किया हुआ, बीटीसी किया हुआ, वो पढ़ाने के हकदार हैं इन बच्चों को। तो इसलिए जरूरी ये है कि ट्रेन टीचर्स को भेजे सरकार, ना कि ऐसे ऐसे मतलब कोई आकर के विद्यालय में इस तरीके से आकर के बच्चों को पढ़ाए, क्योंकि आपको पता है प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत होती है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को तभी मिल पाएगी जब ट्रेन टीचर आकर के बच्चों को पढ़ाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो विद्यांजलि योजना है, इसके बारे में आप क्या सोचते हो, आप लोग प्लीज कमेंट करिएगा। और आपकी क्या राय है, आप इस पर क्या सोचते हैं, आप लोगों के कमेंट की इसमें बहुत जरूरत है दोस्तों, कि आप लोग जिस तरीके से अपनी बातों को अब तक रखते हुए आए हैं, इस योजना के लिए भी आपको अपनी बातों को रखना पड़ेगा। तो आप लोग प्लीज कमेंट करिएगा कि ये योजना कितनी सही है और यह कितनी आगे भविष्य में कितनी सक्सेस होने वाली है। आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ किस तरीके से आप लोग क्या सोच रहे हैं इस योजना के बारे में। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए रेगुलर वीडियोस हम लेकर के आते रहते हैं। और नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी जानकारी होती है तो आपको हम बताते हैं। डीएलएड के सारे सेमेस्टर्स ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, सारे सेमेस्टर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।